धक्काशाही हो रही है हमारे से बिल्कुल। हम शांति बना के रख रहे हैं यहाँ डेरे के अंदर, कोई भी उगदड़ नहीं मचा हुआ, पूरी शांति थी। इन्होंने जाके कमरे के अंदर लड़कों को उठा लिया, लड़कों को उठाया, गुरुमुख पाठी बाबा जी का उसको भी उठाया, सबको उठा के ये गाड़ियों में डाल डाल के ले जा रहे हैं जी। मुख्यमंत्री के सामने उठाओ जी। हाँ जी, ये बात सारी अब सीएम साहब आएंगे उनके सामने ये मुद्दा हम उठाएंगे। सर क्या कुछ हमारे बच्चे, आपको सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवराज है जी, हम सिरसा से हैं जी। हम शांति प्रिय हैं, डेरा के प्रेमी हैं। हमने आके बाबा जी के यहाँ मकई नहीं जी किस वजह से पकड़ा जी, हमारे कुछ नहीं बताया जी। कोई साजिश लग रही है हमारे को तो इनकी डेरे के अंदर जो सारी साजिश रची जा रही है, जो भी इनके खिलाफ थोड़ा सा बोलता है डेरे के खिलाफ पुलिस वीरेंद्र जी के इशारे पे काम कर रही है। वीरेंद्र जी जो भी यहाँ पे कहते हैं उसी हिसाब से काम हो रहा है, सबको उठा उठा के ले जा रही है पुलिस। टोटल कितने बंदे उठा लेंगे जी? हमारे यहाँ से इस टाइम 5-6 बंदे इन्होंने अंदर कर लिए पकड़े, उसके बाद पता नहीं और कितने करेंगे। कौन कौन उठाए, नाम बताएंगे? एक तो बाबा जी का जो पार्टी है गुरुमुख, अच्छा जी। दूसरा है जी हिमांशु, जो कि देवराज का लड़का सिरसा से है जी हिमांशु जी। और उसके बाद हमारी बिटिया है, हमारी मैडम है, उनको भी अंदर ले। क्या नाम है उनके? उनका जी एक तो सिमरन है जी, साक्षी और सिमरन है। अच्छा। और मेरी जो मैडम है सुमन है, उनको सबको अंदर ले गए। जानकारी ये मिल पा रही है कि वीरेंद्र सिंह को गद्दी सौंप सकते हैं? नहीं जी, हम संगत कोई भी नहीं चाहती जी वीरेंद्र सिंह को गद्दी मिले। 90% संगत नहीं चाहती जी वीरेंद्र सिंह को, 95% संगत नहीं चाहती वीरेंद्र को यहाँ पे गद्दी पे बिठाया जाए। हम बहुत पुराने प्रेमी हैं जी, 95% संगत ये चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जी, क्यों नहीं चाहते? एक सेकंड, क्यों नहीं चाहते? अगर देखो जी संगत के साथ बिल्कुल सही काम करता, सही रहता, तो हम उनको चाहते हैं जी बिल्कुल यहाँ गद्दी पे बैठ जाते हैं। जब पिछले कई टाइम से इन्होंने जो कारनामे किए हमने सुने हैं, वो सारे हम हमारी संगत उसके खिलाफ है जी बिल्कुल भी। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बाबा जी की जो वसीयत है वो वीरेंद्र सिंह को सौंपने की बात की जा रही है। हाँ जी हाँ जी, वीडियो सामने आया है। जो जी संगत इस चीज को फर्जी मान रही है जी, ये सही नहीं है वसीयत बिल्कुल भी। सारी संगत इसको फर्जी मान रही है। उसमें बाबा जी खुद भी थे इन बातों को लेकर। ऐसा है जी जैसे कि ये दिल्ली से इन्होंने कहते हैं जी 21 तारीख को बाबा जी ने चोला छोड़ा था, ये 21 तारीख के बाद ये 1 तारीख को यहाँ डेरे के अंदर लेके आए हैं जी। सारी संगत इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज है, किसी संगत को इन्होंने कहीं भी मिलने नहीं दिया जी बिल्कुल। क्या आप उस वसीयत की इंक्वायरी की मांग करते हैं? हमने वहाँ इंक्वायरी की मांग कल डीसी साहब को जाके हमने सौंप दिया सिरसा वालों ने कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, जितनी भी जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। अभी आप किसको गद्दी देना चाहते हैं? हम गद्दी इस टाइम किसी को भी नहीं देना चाहते, ये एक बार बीच में है जी, मामला जब ठंडा होगा उसके बाद। गद्दी तो खाली रह नहीं सकती, गद्दी मशीन कोई तो होगा ना? देखो जी खाली नहीं रह सकती, वो तो संगत का फैसला, हमारा कोई फैसला नहीं है जी, सारी संगत का फैसला है। जो संगत सारी कहेगी उसी तरह से ही। इसके क्या कारनामे है वीरेंद्र के, क्या कारनामे है जो आप कह रहे हैं इन्होंने जो कारनामे? देखो जी ऐसा है, आज तक किसी ने तो किसी संगत को मिलने दिया जी, सारी संगत इनसे परेशान थी, वीरेंद्र से बिल्कुल परेशान थी सारी संगत। अगर वीरेंद्र को गद्दी मिलती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड रहेगा 90% संगत इसके खिलाफ है जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नाम क्या आपका? देवराज है जी। ठीक है, थैंक यू।